गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने टू सेट से रिलेटेड बात की थी, अब हम बात करेंगे थ्री सेट से रिलेटेड। हमने पहला सेट जो ए बी और सी सेट लिया, देखिए हम इसमें एलिमेंट की काउंटिंग कैसे, ए बी सी डी ई एफ जी। ए एक सिंगल एलिमेंट नहीं है, ए में कोई एलिमेंट है पांच है दस है कोई भी काउंटिंग लिए हुए, ऐसे बी के अंदर भी कोई वैल्यू है, सी सभी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू है। अगर हम सेट ए की बात करें तो इसकी वैल्यू होगी ए बी सी डी ई का सम। बी की बात करेंगे बी प्लस सी ई डी एफ, और सी में है ये। अब हम बात करते हैं इसमें ए सेक्शन बी, देखिए ये पार्ट है ए बी प्लस ई, फिर हम बात करें बी इंटरसेक्शन सी, ये बी और सी ये इंटरसेक्शन की वैल्यू ई प्लस एफ। A इंटरसेक्शन C, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, A और C में D प्लस E। अब हम तीनों की इंटरसेक्शन देखिए, N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तीनों का पार्ट जो है आपका ये वाला पार्ट तीनों में पार्ट में कॉमन है E। अब हमें यहाँ के फॉर्मूले फिर क्या करें, ध्यान से देखिए इसको। सबसे पहला एक फॉर्मूला जो आपके पास है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, देखिए जो भी स्टेटमेंट आपके पास आएगी अगर ये सेवन वैल्यूज आपके पास गिवन है तो टोटल वैल्यू यूनिवर्सल में जाएगी, अगर इनमें से कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो टोटल वैल्यू आपकी यूनियन की आएगी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब सभी को मिला के अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये वैल्यू आपकी बन जाएगी। लेकिन हम इसका फॉर्मूला देखिए कैसे तैयार करते हैं, एन ऑफ ए पहले तीनों का सम, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, जैसे हमने दो बार तैयार किया था ए बी का तीन अंतर ए प्लस बी प्लस सी, और डबल की इंटरसेक्शन वहां क्या की थी माइनस, यहां भी वही डबल की इंटरसेक्शन माइनस, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। देखिए आपने ये कंप्लीट पार्ट लिया, फिर आपने ये कंप्लीट पार्ट लिया, फिर ये कंप्लीट पार्ट लिया, अब आपने इस पार्ट को माइनस किया, फिर इस पार्ट को माइनस किया, और फिर इसको, तो ये पार्ट आपका तीन बार माइनस हुआ है, तो एक और तीन ही बार वो ऐड हुआ था, तीन बार वो माइनस हो गया, तो एक बार आपको ऐड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। प्रूव करने के लिए आप ये सेम लगाइए, एन ऑफ ए की वैल्यू यहां से देखिए ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, एन ऑफ बी की वैल्यू यहां से देखिए, एन ऑफ सी की वैल्यू यहां से रखिए, ए बी की वैल्यू माइनस कीजिए माइनस बी माइनस ई, बी सी की वैल्यू माइनस कीजिए माइनस ई माइनस सॉरी ए सी की, ए सी की वैल्यू थी माइनस बी माइनस ई, बी सी आपके पास है माइनस ई माइनस एफ और ये प्लस ई। अब आपके पास पहले जो वैल्यू कैंसिल होती है उसको कैंसिल कीजिए, बी से बी कैंसिल हो जाएगा यहां, ई से ई कैंसिल हो जाएगा यहां, डी से डी कैंसिल हो जाएगा यहां, E से E कैंसिल हो जाएगा फिर यहां, F से F कैंसिल हो जाएगा यहां, और E से E क्या बच गया देखिए, A प्लस B प्लस D प्लस E, और यहां से प्लस C और प्लस F, और यहां से प्लस G, चेक कीजिए वही सेम वैल्यू आपकी आ जाएगी, क्लियर। तो ये यूनियन का फॉर्मूला आपके पास N of A N of B N of C माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला यहां पर ध्यान से लीजिए क्या है, अगर यहां आ जाए ओनली ए, ओनली ए में ध्यान देंगे, ओनली ए का मीनिंग है यहां की इसमें बी और सी ना हो, तो ये ए से अगर ओनली ए में सिर्फ ये है ए पार्ट, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा ध्यान देंगे, एन ऑफ ए जिसके बारे में, अब ए से अलग कौन कौन से सेट है यहां, बी और सी दोनों की ए के साथ इंटरसेक्शन माइनस कर दो, एक बार ए के इंटरसेक्शन बी के साथ माइनस कीजिए और एक बार सी के साथ वाली माइनस,
और तीनों की इंटरसेक्शन आप इसमें प्लस कीजिए। ओनली ये है यहां पे, ए में से ए के साथ बी की और सी की इंटरसेक्शन माइनस और तीनों की प्लस। आप चेक भी कर सकते हैं एन ऑफ ए की वैल्यू थी आपके पास ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, और ए बी की इंटरसेक्शन थी माइनस बी माइनस ई, ए सी आपके पास है माइनस बी माइनस ई और प्लस ई। ये देखिए ई से ई कैंसिल, डी से डी, ई से ई और बी से बी, तो वही आपकी ए वैल्यू रह जाएगी। ओनली ए का मीन ना ए हो ना बी। तो इसी को देखते हुए ओनली बी का फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ बी। अब बी के साथ दोनों सेट की इंटरसेक्शन माइनस कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी, और तीनों की इंटरसेक्शन आप क्या करोगे, चाहो तो आप वैल्यू रख के दे सकते हैं यहां से। फोर्थ ओनली सी, सेम फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ सी, सी से अलग ए और बी, ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कीजिए और तीनों की इंटरसेक्शन को आप प्लस कीजिए। नेक्स्ट देखिए जा ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी से मीनिंग से समझिए दोनों का इंटरसेक्शन बट उसमें सी पार्ट नहीं। ए एंड बी का इंटरसेक्शन ये है लेकिन उसमें सी का कौन सा हिस्सा, ये तो इस हिस्से को दोनों के इंटरसेक्शन में से माइनस कीजिए। ए एंड बी मीन ए इंटरसेक्शन बी और इसमें से सी वाला हिस्सा, देखिए ये है सी वाला हिस्सा, और इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप पहले भी देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है बी प्लस ई और तीनों की बी, सॉरी ई इज इक्वल टू बी, ए एंड बी ये पार्ट, बट उसमें सी का था ई पार्ट, उसको बाहर दे दो बी आपका आंसर आ जाएगा। नंबर सिक्स, ए एंड सी बट नॉट बी, इसी को देखते हुए ए एंड सी दोनों की इंटरसेक्शन में से ए और सी की इंटरसेक्शन ये पार्ट, किसका पीछा वाला जो बी, बी का है ये ई पार्ट, मीन तीनों की इंटरसेक्शन माइनस कर दो। सेम इसी को देखते हुए बी एंड सी बट नॉट ए, समझिए हो बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लास्ट पार्ट ए, नन ऑफ दीज, लास्ट पार्ट क्या होगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज मीन एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश। होल डैश का मीनिंग आपको पहले ही बता था, यूनिवर्सल में से इसको खुद को माइनस कर दीजिए। एक बात आप ध्यान रखिए स्टेटमेंट के द्वारा, अगर ये सेवन वैल्यूज गिवन है तो टोटल वैल्यू ग्रुप की आएगी वो यूनिवर्सल में जाएगी, अगर इन सेवन में से कोई वैल्यू नहीं है तो जो टोटल वैल्यू यूनिवर्सल टोटल वैल्यू होगी वो यूनियन में आपकी आ जाएगी। इसको एक बार ध्यान से देखिए, ये एट फॉर्मूले आपके पास है तो ये एट के एट आपको अच्छी तरह से रिमाइंड होने चाहिए, या आप इस स्केच का सहारा ले सकते हैं गणित की, एक बार आप ध्यान से इनको कीजिए पढ़िए एक बार इनको अच्छे से। ओके हमारे पास एक क्वेश्चन है 14, इसमें आपकी ये सभी टाइप कवर हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपके लिए कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगे क्योंकि 14 क्वेश्चन सभी टाइप को आपके कवर कर देगा। देखिएगा एक बार आप 14 क्वेश्चन को, उसके बाद के क्वेश्चन या उससे पहले के क्वेश्चन आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे अगर आपने 14 क्वेश्चन को अच्छे से कर दिया। ओके 14 क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वॉज फाउंड 15 हैड टेकन मैथ मैथमेटिक्स, तो मैथ से रिलेटेड सेट को हम बोल देते हैं ए,
इसमें सेकंड सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स से रिलेटेड सेट को हम बी इग्नोर कर देते हैं, और थर्ड सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है, इससे रिलेटेड सेट को हम सी इग्नोर कर देते हैं। Let A and B and C be the representative set for math, physics and chemistry. So 25 of the total, बाद में हम इसकी बात करेंगे। It was found that 59 taken mathematics. Mathematics को हमने ऐसे नोट किया 15 N of it. 12 had taken physics. Physics को B से किया है, ये physics है. 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry. Mathematics and chemistry mean A intersection C. 9 had taken mathematics and physics. A intersection B. 4 had taken physics and chemistry. देखिए physics and chemistry B intersection C. And 3 had taken all three subject. All three subject mean 3 of intersection. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु है। अब एक बार देखिए आपकी सभी वैल्यू गिवन है, तो जो 25 है वो आपकी यूनिवर्सल में जाएगा। अगर यहां से कोई वैल्यू नहीं होती या इन तीनों का सम इससे कम होता तब ये यूनिवर्सल में ही जाता। अब ये देखिए क्या क्वेश्चन हमसे किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री। ओनली केमिस्ट्री का मीनिंग देखिए हमारे पास क्या है, सी है, ओनली सी। तो ओनली सी का हमने फॉर्मूला क्या किया था, एन ऑफ सी और सी से अलग ए बी दोनों के साथ इसकी इंटरसेक्शन को माइनस किया था, एक बार ए के साथ और तीनों की इंटरसेक्शन हमने प्लस किए थे। तो एन ऑफ सी की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, 11। ए माइनस सी की वैल्यू देखिए क्या है, A intersection C, sorry, 5, B intersection C, 4 और 3। तो टोटल वैल्यू आपके पास 9 नेगेटिव, 11 पॉजिटिव, 2 प्लस 3, 5। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट में इसने हमसे बोला ओनली मैथ्स। ओके, एक बार हम पार्ट लिख लेते हैं इसके। थर्ड में है ओनली फिजिक्स। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है, फिजिक्स में सेट से नोट करो, यहां से फिजिक्स हमने की किससे नोट की, बी एंड सी बट नॉट ए। इसका मीनिंग है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, ये आप ध्यान दीजिए। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका क्या है, फिफ्थ है मैथ्स एंड फिजिक्स, इट मीन ए एंड बी बट नॉट सी। सिक्स पार्ट ओनली वन ऑफ थ्री सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। पहले हम यहां तक की बातें करते हैं, ओनली मैथ्स, मैथ्स अर्थ ने ए से नोट किया है, मीन एन ऑफ ए। अब ए से अगर बी और सी दोनों की ए के साथ इंटरसेक्शन माइनस कीजिए, ए के साथ बी की भी और सी की भी और तीनों की इंटरसेक्शन आप प्लस कीजिए। एन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या, 15। ए बी की वैल्यू हमारे पास 9 एंड ए सी की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 3। तो आप टोटल वैल्यू देखिए 18 पॉजिटिव, 14 नेगेटिव, मीन 4। और में फिजिक्स, फिजिक्स को आपने बी से नोट किया है, तो एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एन ऑफ बी की वैल्यू आपके पास 12, ए इंटरसेक्शन बी 9, बी सी 4 प्लस 3, 15 पॉजिटिव, 13 नेगेटिव, मीन 2। अब हमारे पास बी एंड सी बट नॉट ए, B इंटरसेक्शन C में से तीनों की इंटरसेक्शन हम माइनस कर देंगे। B एंड C की इंटरसेक्शन देखिए 4 माइनस 3 दैट इज 1। A एंड B बट नॉट C, A इंटरसेक्शन B
माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास है 9 माइनस 3 मीन 6, 6 पर देगा। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट मीन ओनली मैथ्स, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री मीन ओनली ए मैथ्स, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री। ओनली मैथ्स की वैल्यू आपने निकाली सेकंड पार्ट में 4, ओनली फिजिक्स की वैल्यू आपने निकाली है थर्ड पार्ट में 2, ओनली केमिस्ट्री की वैल्यू आपने निकाली है फर्स्ट पार्ट में, तो आप इनको ऐड कीजिए 11। सेवंथ पार्ट देखिए हमारा क्या है, ये है एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, एट लीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट, एट लीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, तीनों की इंटरसेक्ट सॉरी पहले तीनों को सिंगल टाइम प्लस फिर डबल की इंटरसेक्शन माइनस ए बी बी सी एंड ए सी, और तीनों की इंटरसेक्शन आपको प्लस करना। ओके, एन ऑफ ए की वैल्यू आपके पास 25, बी की सॉरी 15, ए की 12, 11, ए बी की वैल्यू माइनस कीजिए 9, बी सी की वैल्यू 4 एंड 5 और प्लस 3। तो इसको आप ओवरऑल सॉल्व कीजिए, जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे वैल्यू आपकी आ जाएगी 23। लास्ट पार्ट देखिए, इसका एट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है नन ऑफ थ्री सब्जेक्ट, नन ऑफ थ्री सब्जेक्ट का मीन ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश मीन यूनिवर्सल में से इटसेल्फ यूनियन को माइनस कीजिए। यूनिवर्सल की वैल्यू आपके पास 25 और यूनियन 23 इक्वल टू 2, तो ये आपके पास हो जाएगा। आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें हमारे सभी पार्ट हैं, इससे अलग जितने भी क्वेश्चन है किसी में दो पार्ट है, किसी में एक पार्ट है, किसी में थ्री पार्ट है, इस तरह के क्वेश्चन है। तो यहां हमारे सभी पार्ट ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आप इनको जिस सेट से डोट करेंगे एबीसी उसी के अकॉर्डिंग आप इनको सॉल्व करेंगे। देखिए एक बार इसको आप ध्यान से, ये बात आप मेन ध्यान रखिए, अगर ये 7 की 7 वैल्यूज है तो टोटल ग्रुप की वैल्यू आपकी यूनिवर्सल में, यहां से कोई वैल्यू नहीं है मिसिंग है तो ये यूनियन। ओके, थैंक यू।